कर लेता हूं। तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आज लूप। तो जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले हम आपको लूप के कई सारे स्टेप्स, कंडीशंस और सारे जो भी उसकी डिटेल्स थी, हमने आपको बताया कि लूप कैसे इस्तेमाल होता है, और हमने उसको कई सारे प्रोजेक्ट्स में भी आपको करके बताया कि लूप से किस तरह की प्रोजेक्ट को आसान किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल, मतलब कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो लूप से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर जैसे कि मैंने BCA MCA वगैरह जो हमने दिए थे उसमें सी और जावा के जो हमारे सब्जेक्ट थे उसके जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए थे, तो मेनली क्वेश्चन होते क्या है, तो उस क्वेश्चन को आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो VVA पे आपको जनरली जो है, मैंने बहुत सारे कंपनियों में देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को पूछते हुए कि आपको पिरामिड बनाना है, हाफ पिरामिड या फुल पिरामिड या डबल पिरामिड आपको बनाना है लूप की मदद से, समझ गए, इस तरह का। इसलिए ऐसा पूछा पूछने पूरी चीज पूछने का जो है कि अगर आप इस तरह के लूप बना लेते हो तो इसका मतलब कि आपको लूप पे अच्छा कमांड हो, क्योंकि कंडीशन और लूप जो है रीड होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की, नॉट ए VVA, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो कंडीशन एंड लूप जो है उसकी रीड होती है। तो इस तरह की मान लीजिए आपको पिरामिड, हाफ पिरामिड अगर यहाँ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए यही चीज हम आपको आज कराने वाले हैं। हालांकि इसका आपके रिपोर्ट ऑटोमेशन और ऑफिशियल वर्क में इसका कोई इतना खास यूज नहीं होता है इस तरह के एग्जाम्पल, लेकिन अगर इसके पता रहेगा तो आप खाए इंटरव्यू में किसी से पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में आप किसी को बता सकते हैं। राजू जी मैं सही बोल रहा हूँ? राइट सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला प्रोग्रामिंग लूप का कि आई इक्वल टू चले 1 to 5। हम 1 to 5 हमने क्यों किया, हमने देखा कि इस आकृति में 5 रो है, तो हमने i4 ले लिया, या i के जगह पे r भी कर सकते हैं आप, r बेनिफिट के लिए। तो नेक्स्ट r जो हो गया रो के लिए, r फॉर रो। हम कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, रो 2 है तो कॉलम 2 है, रो 3 है तो कॉलम 3 है, रो 4 है तो कॉलम भी 4 ही है, मतलब जितना जो पोजीशन रो का है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ पे हम एक और लूप लगाते हैं कॉलम का कि कॉलम C इक्वल टू चले 1 to r, मतलब जितना रो है उतना चले, और नेक्स्ट आई हमने कर नेक्स्ट सॉरी सी करना पड़ेगा, सी कर दिया। और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, क्योंकि हमारे पास जो रो नंबर है आर और सी के रूप में है, मतलब कि अल्फा अल्फा है, न्यूमेरिक है, पूरा अल्फा न्यूमेरिक नहीं सिर्फ न्यूमेरिक है, तो यहाँ पे हम आर कॉमा सी करते हैं और डॉट वैल्यू इक्वल टू हम कर देते हैं स्टार इन्वर्टेड कॉमा में। अब जब इसको रन करेंगे तो ये पहले में रो 1 होगा तो सिर्फ एक स्टार प्रिंट करेगा, रो 2 होगा तो फिर ये आपका जो सी चलेगा 2 बार और 2 स्टार प्रिंट करेगा, ऐसे ही आपका रो 3 होगा तो आपका जो 4 सी जो है वो 3 बार चलेगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा और इस तरह से प्रिंट करेगा। देखिए क्लियर है, लेकिन मैं इसी चीज को चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे कि यहां से चले जाओ, तो एफ कॉलम से चले, ओ कॉलम एफ से चले, कॉलम ए से ना चले, तो हम पूरा पिरामिड बना पाएंगे क्या, हाफ पिरामिड है ना, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे देखिए। तो उसके लिए हम यहां पे जो हमारा कॉलम सी है इसमें हम +5 कर देते हैं, तो +5 करते ही आप देखिए यहाँ पे कि आपके सामने ये बन गया। अब मुझे इसी कोड में कुछ ऐसा करना है जो कि ये उल्टा चले, मतलब कि ये तो इस तरह का है लेकिन एक और मुझे हाफ पिरामिड बनाना है लेकिन वो इस तरह का बनाना है।
हालांकि मैं पूरा पिरामिड एक बार में भी सिखा सकता था, लेकिन फिर वो आपको समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं हाफ हाफ करके सिखा रहा हूं। तो मुझे इस तरह का हाफ चाहिए, मतलब कि यहां से चले इसके तरफ। तो एक कोड बिल्कुल सेम होगा, बस यहां पे हम थोड़ी सी अपनी एक ट्रिक्स अपनाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे 6 माइनस 3 और फिर इसको हम यहां से रन करते हैं। अरे एक नाम के दो नाम के एक मैक्रो नहीं हो सकते। किसी के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। अब जब मैं इसको यहां से रन करूंगा तो यहां देखिए आपके सामने ये उल्टा चला, मतलब कि अगर हम पहले वाली मैक्रो में ये जो मैक्रो बनाया था, इस मैक्रो में अगर हम इसको लेके इकट्ठा कर दें, या फिर एक नया मैक्रो में बनाता हूं, अलग अलग रहेगा तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो लूप नंबर 3, इसमें अगर मान लीजिए कि हम ये दोनों लाइन को यहां रख देते हैं तो आपका फुल पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, अभी इस लाइन में किसी को डाउट है? करण जी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। ठीक है, क्योंकि आप 20 से है ना, इसलिए थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आप ऑब्जॉर्ब कीजिए ट्रेनिंग को, जब स्टार्टिंग से होगा सब कुछ समझाया जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया अखिलेश जी, राजू जी? जी सर। अब चलिए इसी में हम थोड़ा सा और ये करते हैं कि हमने तीन तो क्वेश्चंस किए, हमने पहला किया इस तरह का, दूसरा किया हमारा इस तरह का, और तीसरे में हमने इन दोनों को क्लब कर दिया। क्या अब इसमें हमें एक करना है कि मुझे करना तो है लेकिन टॉप माने कि स्टार्टिंग से एंडिंग, एंडिंग से स्टार्टिंग, मतलब उल्टा पिरामिड का हाफ पिरामिड बनाना है मुझे उल्टा। ठीक है, तो उल्टा कैसे होगा? क्योंकि लूप आपका 5 to 1 तो नहीं चलेगा ना, 1 to 5 ही चलेगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो कोड है इसी कोड को लेके चलते हैं। तो इसमें हमारा हाँ, तो यहाँ पे पहले तो ये 5 हटा देता हूँ, सी करता हूँ। हाँ, तो ये हमारा 6 माइनस सी है तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि 4 पहले बार में 4 चलना चाहिए एक बार, लेकिन इस केस में इसमें आपको एक ही बार चलेगा इस, लेकिन हमारे इस केस में 4 को चलना है 5 बार। तो मैं भी यहां भी 6 माइनस आर कर देता हूं। 6 माइनस आर करने से क्या हो गया, ऐसे लूप 4 6 माइनस आर करने से फायदा क्या हुआ कि ये देखिए आपका पूरा का पूरा उल्टा चल गया। लेकिन उल्टा चला किसका, इसका उल्टा नहीं, इसका इस तरह से चला है। अब फिर वापस इस तरह से भी चलाना है, ताकि यहां से भी चलाना है मुझे। तो कॉलन यहाँ पे हमारा कॉलन सी नहीं रहेगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 5 प्लस सी। अब देखिए इधर हो गया, तो हमारा उल्टी उल्टा पिरामिड बन जाएगा। तो उल्टा पिरामिड बनाने के क्या तरीके थे, एक लाइन इसी में हम कॉपी करेंगे और इसमें हम एक दूसरे लाइन में कर देंगे 5 प्लस सी, तो ये हमारा उल्टा पिरामिड बन जाएगा। और दोनों पिरामिड अगर आपको बनाने हैं
मैं चाहता हूं कि उल्टा और सीधा पिरामिड दोनों डबल पिरामिड बने, तो मुझे यहां पे दो बार इसी लूप को दो बार लिखना पड़ेगा। अब दोनों क्लब हो जाएंगे, दोनों मैक्रो। और ये आप देखिए, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जो नीचे वाला माइनस माइनस था, इसमें हम आर को प्लस नहीं किए थे, इसमें आर को हम 5 प्लस कर देते हैं दोनों में, तब जाके दोनों होगा 5 प्लस। ठीक है, क्लियर सर? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? ठीक अखिलेश जी, राजू जी, मुकेश जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो एक एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम आगे बढ़े इसमें तो एक और क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से कोई लेटर आपको दे देंगे, जैसे कि सुजीत आपको दे दिया आपको, अब इसमें बोलेंगे कि इसमें लेटर को कोई नाम को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में करो। बढ़ते हुए क्रम में जैसे कि सुजीत, एस, एस यू जे ई एंड एस यू जे डबल ई एंड एस यू जे ई टी, इस तरह से बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में आपको बोला जाएगा जब इंटरव्यू देने के जाएंगे। चलिए इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, तो यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट लूप 6, और यहां पे हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2। इससे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि सुजीत को स्टोर भी तो करना है कि डिम आर एज ए आर, नहीं यहाँ पे ये कर दीजिए एस एज ए स्ट्रिंग। ये हमने वेरिएबल्स ले लिए, जैसे कि एबीसीडी एक्स वाई जेड आप मैथमेटिक्स में लेते हैं उसी तरह से। और यहाँ पे लिखते हैं कि एस इक्वल टू, आप इनपुट बॉक्स से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने मैनुअल यहाँ पे ले लिया सुजीत नाम। अब फिर यहाँ पे लगाएगा कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2, तो इसकी लेंथ हो, लेन फॉर्मूला क्या करता है कि एस पे जो नंबर ऑफ लेटर है उसका बताता है कि इतने लेटर है, तो लेंथ में हमने सी कर दिया कि सी, हाँ उतना लूप चलेगा। और नेक्स्ट आई करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे मान लीजिए डी कॉलम में करना है, चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज ए, ए नहीं डी, हाँ डी, डी के साथ हम आई को कंबाइन कर देते हैं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम लेते हैं लेफ्ट, कि लेफ्ट, और यहां पे हम देते हैं एस कॉमा आई, तो एस कॉमा आई मतलब हो गया कि जितना लेटर धीरे धीरे पहले वाले पहला लेटर अलग करेगा, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे आप इसको अगर मैं प्ले यहां से प्ले करता हूं तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका, नहीं हाँ सी था ना, ये गड़बड़ हो गया, एस लिखना चाहिए था, ये छोटी सी गलती के कारण नहीं हुआ, देख परफेक्ट। अब इसी को अपोजिट मुझे करना है कि मैं चाहता हूं कि पहले सुजीत इस तरह से कि एस यू जे डबल ई टी सुजीत, एस यू जे डबल ई यहाँ पे किया, एस यू जे ई इस तरह से, मतलब घटते हुए क्रम में करना है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में करना है। तो चलिए इसके लिए भी हम कोड लिखते हैं यहाँ पे, तो कॉपी पेस्ट किया लूप 7,
अब यहाँ पे हमने यहाँ पर ले चला और यहाँ पे एस कॉमा आई हमने किया, अब यहाँ पे आई नहीं करना होगा क्योंकि आई तो घट बढ़ते हुए क्रम में चलता है, मुझे घटते हुए क्रम में करना है। तो इसमें हम यहाँ एक और वेरिएबल लेते हैं सी इक्वल टू लेन और इसके अंदर हम कर देते हैं एस और यहाँ पे सी कर दीजिए और यहाँ पे हम कर देते हैं सी प्लस वन माइनस वन। देखिए नहीं माइनस प्लस वन माइनस वन नहीं होगा माइनस आई होगा। क्या हुआ, क्या गलती हो कर रहा हूँ, माइनस आई करते हुए क्रम में किया। अब बोलोगे सर कि मैंने यहाँ पे प्लस वन क्यों किया, तो मान लीजिए कि हमारा सिक्स है तो यहाँ पे अगर प्लस वन आप नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए सिक्स है तो अगर हम ये ना करें इसको ना करें तो सिक्स माइनस आई होगा, आई जो कि वन है, तो सिक्स माइनस आई मतलब वन, मतलब कि पहले बार में आपको पूरा सुजीत नहीं दिखेगा, इस तरह से दिखेगा आपको, एक कम जाएगा। तो पूरा सुजीत दिखाना है तो पहले बार में सिक्स का सिक्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वन करने के बाद माइनस करवाया। अगर आप प्लस वन नहीं करना चाहते हो तो उसका तरीका है कि आप यहाँ जीरो से शुरू करो। हाँ, लूप को जीरो से भी शुरू किया जा सकता है, माइनस से भी शुरू किया जा सकता है। तो जीरो प्लस सी कर दिया तो अब करने की जरूरत नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब जीरो, अब डी जीरो नाम का रेफरेंस तो है नहीं तो इसमें प्लस वन आपको करना पड़ेगा, प्लस वन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो एक दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए आप लोगों को? हेलो, हेलो, मुकेश जी, राजू जी, समझ में आया? अखिलेश जी, समझ में आया आपको सर? जी सर, तो लूप को तो अच्छे से समझ गए होंगे आप, लूप में कोई कसर तो नहीं रह गई? अब चलिए लूप के टाइप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली लूप जो है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है फोर और दूसरा होता है हमारा डू, और दोनों लूप का दो दो पार्ट होता है। एक हमारा होता है आपका फोर आई जिसको बोलते हैं, मतलब कि स्टार्ट टू एंड, राइट। और दूसरा होता है फोर एज, मतलब कि एज पर ऑब्जेक्ट। फोर एज में जैसे इसमें क्या हुआ, आई में आपने बताया कि एक से दस चलो या जीरो से दस चलो या दस से बीस या पचास से साठ चलो, फोर ईच में क्या होगा कि जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है उतना ही चलना है, या जितना शीट है उतना ही चलना है, या जितने फाइल है उतने ही चलने हैं, या जितना जो भी जितना है, मतलब कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट काउंट के हिसाब से चलता है। एक ये आपको हम अगली क्लास में समझाएंगे। एंड आपको डू के अंदर भी हमारे पास वाइल होता है और एक हमारा अंटिल होता है। अब फोर ईच में क्या होता है कि आपको एक स्टार्ट टू एंड होता है या ऑब्जेक्ट आपको देने होते हैं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हमें लूप कंडीशन पे लगानी होती है, जैसे कि आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो जब भी आप पेज ओपन करते हैं तो कुछ देर के लिए वेट करता है, तो आप चाहते हो जब वो वेट कर रहा है तब तक मेरा स्क्रीन हैंग हो या कुछ और करे, तो उस केस में हम डू वाई लगाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप चले या रुके, उस केस के लिए हम लूप लगा। जैसे इनपुट बॉक्स में किसी से नाम पूछ रहे हो, आप चाहते हो जब तक वो नाम ना लिखे तब तक वो वापस रिप्रेजेंट देता रहे, या लॉगिन आपने लॉगिन सीट बनाया है जब तक पासवर्ड करेक्ट ना हो तब तक लॉगिन का बार बार देते रहे, जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट वगैरह में देता रहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डू वाइल और डू एंड की बात करेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा फोर आई लूप को,
स्टार्ट टू एंड। अब हम फोर ईच को पढ़ेंगे जो कि अगली क्लास में। उससे पहले आप लोग फोर आई को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद हम जो डाउट्स होंगे उस डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक कोड मैं आप लोगों को मेल कर देता हूं ताकि आप लोग उसको अपने प्रैक्टिस में शामिल कर सके। अखिलेश गुप्ता जी, करण, करण जी आपके मेल आई डी कौन सा है, करण रावत है या फिर हेलो? यस सर, आपकी मेल आईडी क्या है? करण टुटेजा, करण टुटेजा। हाँ ये नहीं सर, ये नहीं है। ये रहा ना 0। हाँ जी, फाइल दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।